रियल स्टेट में अगर किसी का जोरों शोरों से नाम चल रहा है ना, तो वो रियाल्टी क्वार्टर का बहुत अच्छे से चल रहा है, क्योंकि मैंने इनका इवेंट दुबई में भी किया है और दिस इज़ माई सेकेंड इवेंट। एंड थैंक यू शाइस्ता एंड पवन भाई फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड बाय आर एक्स होम मिनिस्टर, उनके थ्रू मिला है। एंड आप लोगों को पता होगा कि मेरी दूसरी कंपनी जो है इडम्स एंटरटेनमेंट के अलावा, वो है राबिया इंटरनेशनल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। वी प्रोवाइड बिजनेस सॉल्यूशंस फॉर जीसीसी स्पेशली। वी हैव डन अ लॉट वर्क टिल नाउ, एक साल 2021 में हमने इस्टेब्लिश की थी और बहुत ज़ोरों शोरों के साथ, और आज उसका फल मुझे मिला है। आई एम रियली रियली थैंक यू। और इसके साथ साथ एक चीज़ और कहूँगी कि बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ लड़ लिया, लेकिन जब ये अवार्ड हाथ में आया और इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए हो नहीं सकती। आपका मूवी है हमारी जो कि मीट मिस्टर चाहेंगे, आप सबको पता है, एक बहुत बड़े ओटीटी पे आने वाली है। इसके साथ ही साथ आएगी हमारी फिडोरा रिंकल्स जो कि उसके बाद हमने सोचा, क्योंकि ये मीट मिस्टर चाहेंगे के बाद ही हम रिलीज़ करेंगे। इसके साथ ही साथ है हमारी शादी बाज जिसको डायरेक्ट करेंगे हमारे फैज़ अली वागले जी। एंड पाव विद एरम्स के साथ स्टार्ट करें हमारे डेब्यू हमारे जुनैद शेख जी। तो मैं शायद लकी हूँ उन लोग, मतलब मैं, मेरे लिए लकी हैं वो लोग जो शायद एज अ डायरेक्टर आते हैं और शुरुआत करते हैं और प्रोग्राम हिट होता है, वो चाहे फिल्म ही क्यों ना हो। जर्नी बहुत रोलर कोस्टर थी, फिल्म भी बना रही थी और काम भी कर रही थी, और बिजनेस सॉल्यूशन के साथ हम एज अ कंसल्टेंट काम करते हैं। आप आइए, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर योर बिजनेस टू एस्टैब्लिश इन आउट ऑफ इंडिया, वी आर ओपन। एंड हमारी जो हमारा ऑफिस है मुंबई एंड दिल्ली दोनों में है। यू कैन कनेक्ट अस ऑन www.rabiainternational.com। सबसे पहले तो इरम जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, शी इज़ डूइंग वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क। एंड ऑनेस्टली मुझे इनके साथ हमेशा जुड़कर बहुत अच्छा लगता है। एंड वी हैव वर्कड ऑन अ फिल्म ऑल्सो टुगेदर। एंड वो होता है ना कि लोगों के साथ अच्छा काम करना तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छे लोगों के साथ अच्छा काम करना उससे भी बहुत अच्छी बात है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस डे, एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू। मैं जब कॉमेडी सर्कस या जो कॉमेडी वो प्रोग्राम आता था तो वीआईपी जी आते थे, लोग बोलते थे वीआईपी जी को खुद नहीं पता उनकी असली आवाज़ कौन सी है। तो मुझे नहीं पता था कि उनकी बेटी भी इतनी टैलेंटेड होगी, एंड शी सुपर टैलेंटेड एंड शी वॉज माई फर्स्ट चॉइस। फिडोरा का जब हो रहा था स्टारकास्ट तो मैंने बोला कि मुझे ध्वनि चाहिए, एंड वी आर सो ब्लेस्ड। जैसा बोला था सही किया ध्वनि, हैव डन अमेजिंग जॉब, और पूरी फिल्म में आपको अलग ही छाप दिखाई देगी ध्वनि की। आज रियलिटी अवार्ड में हमको बुलाया है, मोनिटास ग्लोबल को एक अवार्ड दिया गया है। तो वेरी सून विद द गेमिंग इंडस्ट्री वी आर ऑल्सो कमिंग इन टू रियल इस्टेट। बट रियल इस्टेट में हम अपना टोकन का यूजेज करने का सोच रहे हैं, और इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं।